Hello guys, I am Dr. Satkala. Our today's topic is 100 MCQs and this is my third lecture on 100 MCQs. In a previous lecture, I also uploaded a video on the most important MCQs, 100 MCQs and before that 100 MCQs, and this is the third lecture on the most important MCQs, most important question. And this is the most important, these are the most important for RPSC exam, for HPSC, for other NTA, NET, and all for the competitive exams. And I selected these questions from the previous NTA, NET question paper, RPSC question paper, HPSC, and other college level question paper. So please like, share, and subscribe to our channel so we can get more and more important questions, important information through this. उसके अंदर कितने कितने stories जो हैं वो बताएंगे. तो it was decided four stories in the starting. It was decided four stories, two at the time of they will when they will go and two when they will return back. तो दो जाते time उनको बतानी है, दो आते time बतानी है, और इस प्रकार से total 120 जो है stories decide हुई थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नरेटिव पोइम बाय वीनस एंड एडोनिस. दिस इज अ पोइम बाय विलियम शेक्सपियर. ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर, द टोटल नंबर ऑफ पोइम इन शेक्सपियर्स सोनेट इज. शेक्सपियर के सोनेट के अंदर कितनी टोटल कितनी पोइम्स है, मींस हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर. देयर आर 154 सोनेट्स. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज मैकियावेलियन हीरो. मैकियावेलियन हीरो कौन से प्ले के अंदर है. इसके अंदर टेमुलिन पार्ट फर्स्ट है, डॉक्टर फेस्टर, जी ऑफ माल्टा. सी इज द राइट आंसर है, जी ऑफ माल्टा. क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय सैमुअल बटलर. सैमुअल बटलर के द्वारा कौन सा इसमें लिखा गया है. रिलीजियो लेसेसी नो, डेविड सिंपल नो, हेडी ब्रास. सैमुअल बटलर रोट हेडी ब्रास. हेडी ब्रास जो है वो सैमुअल बटलर द्वारा लिखा गया है. हे सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट. इनमें से कौन सी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई पोइम है बाय मिल्टन. हे ए इज द राइट आंसर, पेंसरेसो. क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय कॉन्ग्रेव. कौन सा इसमें से कॉन्ग्रेव द्वारा नहीं लिखा गया, विलियम कॉन्ग्रेव द्वारा. वे ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क बाय कॉन्ग्रेव. द ओल्ड बैचलर, दिस इज ऑल्सो है. लव फॉर लव, दिस इज ऑल्सो बाय कॉन्ग्रेव. द रिलैप्स, दिस इज नॉट बाय विलियम कॉन्ग्रेव. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर नाइन, ड्रेडन अ सोल फॉर लव इज एन अडेप्टेशन ऑफ. ड्रेडन का ओल फॉर लव है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ के अडेप्टेशन है. हेयर सी इज द राइट आंसर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. डेडन का ओल फॉर लव है वो कहाँ से लिया गया है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रपोज ए पोलिटिकल थ्योरी. इनमें इतने हेयर आर फोर ऑप्शंस, कौन सी है जिसमें पोलिटिकल थ्योरी जिसमें रहती है. ऑल वी आर अवे लेवियथन. This is the most important work for the for any competitive exams like NTA, RPSC, Leviathan. Leviathan, Anatomy of Melancholy. These are the most important work. B is the right answer. Question number 11. Which of the following books is written by a woman? इसके अंदर कौन सी बुक जो है एक वुमेन के द्वारा लिखी गई है. विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, द वेल्थ ऑफ नेशन. ए इज द राइट आंसर. द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन भी है एक बुक, और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इज ए रिलीजियस एलेगरी. कौन सी रिलीजियस एलेगरी है. यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, टेल ऑफ ए ट्यूब. ये ऑल आर बुक बाय जोनाथन स्विफ्ट, बट ए टेल ऑफ ए ट्यूब, दिस इज द रिलीजियस, दिस इज रिलीजियस एलेगरी. Which of the following is a visionary work by William Blake? William Blake का कौन सा visionary work है? Visionary, all these are by William Blake, and which one is visionary work? कौन सा visionary work है? The Vision of the Daughters of Albion. D is the right answer. This is the visionary work. The Vision of the Daughters of Albion. मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा explanation नहीं कर सकती कि कौन सा work किसके द्वारा लिखा गया, because here we have the target of 100 questions and this is not possible. To I will try to conclude in half an hour all 100 questions, because this is the most important time for all the who prepare for the any type of exam.
क्वेश्चन नंबर 14, पोप एस एन एस्सी ऑन मैन इज बेस्ड ऑन द आइडिया। जो पोप का एस्से ऑन मैन है वो किसके आइडियाज के किसके आइडियाज के ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड बोलिंगब्रोक। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ द 10th स्टायर ऑफ ज्वेनल। तो एक जॉनसन का 10th स्टायर ऑफ ज्वेनल है, एक 3rd स्टायर ऑफ ज्वेनल है, तो यहाँ पे बी वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसीज जो है ये 10th स्टायर के ऊपर है, और इसकी लंदन जो एक और वर्क है वो 3rd स्टायर के ऊपर है, 10th स्टायर ऑफ ज्वेनल वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसीज। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ एज द प्रील्यूड अपियर्ड इन That was 1805 में वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड लिखी थी, लेकिन इसका प्रील्यूड का प्रीफेस और वो सब मिलकर के फाइनली 1850 में इसका वर्जन आया था। सी इज द राइट। टू सफर वॉर विच होप थिंग्स इन्फिनिट इज रिटन बाय, दिस इज रिटन बाय शेली। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर आवर अकर्स इन, ये शैली की कौन सी थिंग ऑफ सॉरी किड्स की कौन सी उसमें से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर आवर ये किसमें अकर होती है, दिस इज इन एंटीमन। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नावल्स इज अ स्टायर ऑन द गोथिक नावल, इनमें से कौन सी जो है एक स्टायर है गोथिक नावल के ऊपर, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थंग आबे। डी इज द राइट आंसर, नॉर्थंग आबे। Who distinguishes between 11th literature of knowledge and the literature of power? कौन से यहाँ पे कौन से जो poet है ऐसा जो distinguish करता है 11th literature knowledge को और literature of power, power और knowledge की ये है बात करता है, Thomas Day Quincy। B is the right answer, Thomas Day Quincy talking about the literature of knowledge and literature of power। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट्स इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। हियर इज टेनिसन हु टॉकिंग अबाउट द विक्टोरियन पोइट्स इन द मोस्ट सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट, हियर टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, हु इज द टेनिसन विक्टोरियन पोइट में। एंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय, एंडर द ग्रीनवुड ट्री दिस इज रिटन बाय थॉमस हार्डी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क बाय थॉमस हार्डी, एंडर द ग्रीनवुड ट्री। The office of circumlocution occurs in, it is occurs in Little Dorrit. Question number 24, the novel Mary Barton is written by, Mary Barton is written by Mrs. Gaskell. This is Mary Barton is written by Mrs. Gaskell, and this is the also most important work. 25th, the line poetry is a criticism of life occurs in, this is the most important study of poetry. पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये कौन से उसमें वर्क में कल्चर एंड एनार्की नहीं है, और मैथ्यू एनार्की वर्क है, कल्चर एंड एनार्की मैथ्यू एनार्ली इसमें नहीं कहता है, मॉडर्न पेंटर्स में नहीं, द स्टडी ऑफ पोइट्री के अंदर कहा जाता है, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, सी इज द राइट आंसर। मार्था क्यूस्ट वॉज रिटन बाय, मार्था क्यूस्ट डोरिस लेसिंग मार्था क्यूस्ट के बारे में लिखती है, इसमें फेमिनिज्म से रिलेटेड ये वर्क है मार्था क्यूस्ट, दिस इज रिटन बाय डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मार्था क्यूस्ट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस आती है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, The principle of psychology, this is a book, and the stream of consciousness, this concept is taken from the principles of psychology B. Question number 28, G.S. Fraser's The Golden Bog focuses on, this is focuses on archetypes, D is the right answer. Question number 29, Arthur Miller's Death of a Salesman relies for its tragic seriousness on the fate of, दिस इज फेट ऑन आर्थर मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन है, ये दिस इज सीरियस ना दिखाता है फेट ऑफ विली लोमन, विली लोमन हियर इज द करेक्टर मेन करेक्टर मेन हीरो विली लोमन, तो उसकी सीरियसनेस उसके फेट के बारे में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम मेक्स एन अपीयरेंस इन द नॉवल, लियोपोल्ड ब्लूम जो है यूलिसस के अंदर आता है, यूलिसस जो नॉवल है उसके अंदर लियोपोल्ड ब्लूम जो करेक्टर है यूलिसस के अंदर। Who of the following authors represents the Sri Lankan diaspora? कौन सा राइटर इसमें श्रीलंका, बिकॉज देर इज टॉकिंग अबाउट द डायस्पोरा, तो श्रीलंका के डायस्पोरा कौन सा इसके अंदर जो ऑथर्स है जो श्रीलंका के डायस्पोरा की बात करता है, दैट इज माइकल ऑनसी। माइकल ऑनसी ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द श्रीलंका डायस्पोरा। ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनस रिसीव ए सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट इन,
in the work of Judith Wright. Judith Wright is the most important writer in Australian writer. If we talking about Australian writer, foremost writer Judith Wright is come known the foremost. जुडिथ राइटर का सबसे स्टार्टिंग में हम नाम लेते हैं ऑस्ट्रेलियन के, उसमें तो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनस के अंदर सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट जो अपने वर्क के अंदर दी है वो जुडिथ राइट ने. मार्गरेट एडवुड एज सर्वाइवल मेक्स ए केस फॉर, इस मेक्स मार्गरेट दैट इज नॉन फॉर कनाडियन लिटरेचर, द फ्यूचर ऑफ कनाडियन लिटरेचर. जब हमें जुडिथ राइट का नाम आए तो हमें ऑस्ट्रेलिया का याद दिलाता है मार्गरेट एडवुड जो है. सर्वाइवल मेक्स अ केस फॉर द फ्यूचर ऑफ कनाडियन लिटरेचर, तो सी इज द राइट आंसर. वी एस नेपालस लेटेस्ट बुक इज All the Mystic Major, Bend in the River, Among the Believers, Half a Life. V.S. Nepal's latest book is Half a Life, and I want to say one more thing that Half a Life, this is an complete book. कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि which book is unfinished by V.S. Nepal? कौन सी बुक V.S. Nepal की unfinished है, finished नहीं है, that is Half a Life. Half a Life book जो है वो unfinished है. और दूसरा ये उसकी लेटेस्ट भी है, लास्ट जो वर्क है वीएस नेपाल का दैट इज हाफ ए लाइफ एंड दिस इज अनफिनिश्ड. 35 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय सलमान रश्दी रिफर्स टू द 15th सेंचुरी स्पाम एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें कौन सी बुक्स के अंदर सलमान रुशदी है 15th सेंचुरी को स्पैम एज ए स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करती है कि दिस इज द 15th सेंचुरी इज द स्टार्टिंग पॉइंट सलमान रुशदी के कौन सा वर्क है, दैट इज ग्रीम्स, दैट इज ग्रीम्स डी इज द राइट आंसर. Who is afraid of Virginia Woolf is written by, Who is afraid of Virginia Woolf, this is written by Edward Albee. Edward Albee C is the right answer. Afraid of Virginia Woolf is written by Edward Albee. Imamu Amiri Baraka is, he is an American writer. तो हमें मोस्ट ऑफ अमेरिकन राइटर, ऑस्ट्रेलियन राइटर, कनाडियन राइटर, वी शुड नो 4, 5, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स शुड बी नो. इमामो अमीरी जो है अमेरिकन राइटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो ये कौन है यही पूछा गया है, तो ही इज एन अमेरिकन. द मिसलनी वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम, ये डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन के हैं, साहित्य अकादमी है, द राइटर्स वर्कशॉप है, पेन है, और ये धवनी लोक है. तो कहाँ से ये मिसलनी जो है कहाँ से पब्लिश होते हैं, द मिसलनी वॉज पब्लिश फ्रॉम द राइटर्स वर्कशॉप, बी इज द राइट आंसर. हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिक्रिएट्स द लाइफ ऑफ द योरुबा इबामो इबो कम्युनिटी, कौन सा इसके अंदर जो राइटर्स है वो योरुबा और या इबो कम्युनिटी को शो करता है, दैट इज वॉल शैंका अफ्रीकन, वॉल शैंका बिलोंग्स टू अफ्रीका, एंड ये योरुबो कम्युनिटी को यहाँ पे शो करती है. Who of the following white female authors are sympathetic to the cause of the blacks? कौन सी इसके अंदर फीमेल राइटर्स हैं जो कि इनको सिंपैथेटिक है ब्लैक्स के रिगार्डिंग, तो नैदिन गॉर्डिमर एज इज अफ्रीकन, नैदिनी गॉर्डिमर, नैदिनी गॉर्डिमर शोज द सिंपैथेटिक टुवार्ड्स द ब्लैक्स. न्यू क्रिटिसिज्म कंसीडर्स टेक्स्ट एज, न्यू जो क्रिटिसिज्म उसमें उसके अंदर टेक्स्ट को कैसे कंसीडर करते हैं, कल्चरल कंस्ट्रक्ट, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट, लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट और ऑटोटेलिक. दे टॉक अबाउट द न्यू हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म जो है, न्यू क्रिटिसिज्म कंसीडर टेक्स एज ऑटोटेलिक. 42 मिथोलॉजीज वॉज रिटन बाय, मिथोलॉजीज वॉज रिटन बाय रोलैंड बार्थेस, मिथोलॉजीज किसके द्वारा लिखी गई है, रोलैंड बार्थेस. दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं दीज क्वेश्चन. द वर्ड कथारसिस सिग्निफाइज, कथारसिस जो है हम पोइटिक्स वगैरह इन सब में पढ़ते हैं, तो कथारसिस किसको सिग्निफाई करता है, प्रिगेशन, दिस इज प्रिगेशन, कथारसिस सिग्निफाइज टू प्रिगेशन, शी इज द राइटर. 44 द रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म इज अ मार्क ऑफ, यूनिवर्सलिज्म जो है वो किसका मार्क है, द रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म मार्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म. इलियटस थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अपियर्ड इन हिज एसे अनटाइटल्ड, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो इलियट की थ्योरी जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अपियर्ड इन हिज एसे वो किसमें अनटाइटल्ड होती है, हैमलेट के अंदर. इलियट की जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में क्या होता है, जब हम
इसी हमारे अंदर जो कुछ चल रहा है सेम इज गोइंग ऑन आउटसाइड, वी कोरिलेट दीज ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो हमारे अंदर हम वी आर इन सो मच सैड, वी आर नॉट फीलिंग गुड, स्टॉर्म इज गोइंग ऑन इनसाइड एंड सेम स्टॉर्म इज गोइंग आउटसाइड, दैट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो हिलियर्ड्स की थ्योरी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कॉन्सेप्ट्स में हैमलेट के अंदर होती है। 46 स्प्रिंग रिदम इज एन एग्जांपल ऑफ, स्प्रिंग रिदम मीटर का एग्जांपल है। 47 मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्शन। 48 अनराइम्ड मेट्रिकल कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 आइम्बिक मेजर्स इन इच लाइन इज कॉल्ड, जिसके अंदर अनराइम्ड मेट्रिकल कंपोजिशन हो, जैसे आइम्बिक होती हैं, पेंटा आइम्बिक होती हैं, टेट्रामीटर, ये सब होते हैं, अनराइम्ड मेट्रिकल पोजिशन हो, 5 आइम्बिक मेजर्स हो इच लाइन इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलेंगे ब्लैंक वर्स, इज द राइट आंसर। वर्स स्टोरीज डीलिंग विद सिवेलरी, जिसमें नाइट हो, सिवेलरी हो, इरेंट्री हो, एंचेंटमेंट हो, लव, आर नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट कॉल्ड द मेट्रिकल रोमांसेस, डी इज द राइट आंसर। मेट्रिकल रोमांस ऐसी वर्स स्टोरी हो जिसके अंदर सिवेलरी की बात हो, नाइट की बात हो, ये सब लव वगैरह हो, दैट कॉल्ड मेट्रिकल रोमांसेस। ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मेन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटोटस, ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटोटस, डी इज द आंसर। 51 द नन इज प्राइस्ड स्टेल एंड हैड इट्स ओरिजिन, नन की प्राइस्ड स्टेल है, इसका ओरिजिन फ्रेंच रोमन डे रिनार्ड से होता है, फ्रेंच डोमन रोमन डे रिनार्ड। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज अपीयर्ड इन 1623, ऑल वी आर नो एंड वेल अवेयर, 1623 इज द राइट आंसर। रिस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस विद, रिस्टोरेशन कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से होती है, इथरेज से, नहीं कॉन्ग्रेव, शेरिडन, ड्राइडन, इथरेज। रिस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस विद इथरेज बिकॉज ऑल दीज आर कंटेम्प्रेरी, कॉन्ग्रेव, शेरिडन, ड्राइडन, इथरेज, बट रिस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस विद इथरेज, डी इज द राइट आंसर। 54 द ऑथर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द शोल इज, प्रोग्रेस ऑफ द शोल का ऑथर कौन है, जॉन डन, प्रोग्रेस ऑफ द शोल, दिस इज रिटन बाय जॉन, प्रोग्रेस ऑफ शोल इज जॉन डन। डॉक्टर जॉनसन्स द लिव्स ऑफ द पोइट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप का, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। इसमें देखो बायोग्राफी भी है क्योंकि डॉक्टर जॉनसन कैन इंक्लूड हेयर 52 ऑथर्स, यहाँ पे 52 को लिया है, 52 की उन्होंने बायोग्राफी बताई है, इसके साथ साथ बायोग्राफी के साथ उनके जो वर्च्यू हैं वो भी बताए हैं, उनकी लैकनेस है वो भी बताए हैं, तो इट बिकेम बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, बी इज द राइट आंसर। बायोग्राफी भी है उसके साथ साथ में क्रिटिसिज्म भी है। द पिकार्स क्यू नावल विद अ फीमेल पिकारूम इज, इट इज मॉल फ्लैंडर्स, पिकार्स क्यू नावल जो है इसके मॉल फ्लैंडर्स है, फीमेल पिकारूम है, तो मॉल फ्लैंडर्स इज पिकार्स के नावल। The expression ancestral voices prophesying war occurs in, it occurs in Kubla Khan. ये Kubla Khan जो poem है इसके अंदर, इसमें Kubla जो मुगल emperor है उसके अंदर सुनाया जाता है किस प्रकार से वो ancestral की voice को भी सुनता है। इसके अंदर Asti Kolri जो है वो he is in ओपीएम, ओपीएम के उसमें होता है और वो विजन देखता है, ड्रीम देखता है, और ड्रीम का विजन जब लिखता है तो उसके अंदर एक विजन ये भी देखता है कि एंसेस्टर वॉइस ही प्रोफेसिंग, कि एंसेस्टर जो है फोर फादर्स हैं, दे आर प्रोफेसिंग अबाउट वॉर, दे टॉकिंग अबाउट फ्यूचर वॉर, तो दैट इज इन कुबला खान ए। द पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश नावल ऑफ जेन एस्टन इज, पोस्ट ह्यूमसली कौन सा, जेन एस्टन का पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश नाव है, दैट इज नॉर्थंग अबे। 59 कार्ले सार्टर रिसार्टर मीन्स, कार्ले का सार्टर रिसार्टर का मतलब क्या है, द टेलर रिटेलर्ड, टेलर रिटेलर्ड, सार्टर मीन्स टेलर और रिस्टार्ट मीन्स टेलर रिटेलर्ड, टेलर रिटेलर इज द मीन्स ऑफ द कार्ले, तो कार्ले सार्टर। द करेक्टर नोट क्रिएटेड बाय हार्डी इज, कौन सा करेक्टर इसमें हार्डी का नहीं है, श्यू ब्राइट हेड, बाट्सबा, अवरडेन, बेट्सी, ट्रॉटवुड, थॉमसन, तो इसमें थॉमस हार्डी का सी इसके अंदर, बैट्सी, ट्रॉटवुड इनका करेक्टर नहीं है। द पोइट हु डिस्क्राइब्ड पोइट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज, कौन से पोइट ने पोइट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बोला है, दैट बाय इजेरा पाउंड, इजेरा पाउंड ने इसमें पोइट्री को एज ए इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कहा है। द वुमेन करेक्टर हु इज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन इन वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस इज, इसके अंदर कौन सा वुमेन करेक्टर है जो एज ए आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग वगैरह बनाती है, एज ए प्रोफेशन भी है वर्जीनिया वुल्फ के टू द लाइट हाउस में,
तो दैट इज लिली ब्रिस्कवे, क्योंकि मिसिज राम से मिसिज डेलोवे, दिस इज द करेक्टर इन डिफरेंट, मिसिज डेलोवे की करेक्टर है मीरियम, इसमें करेक्टर नहीं है, लिली ब्रिस्कवे है, और मिसिज राम से, मिसिज राम से इज द वाइफ ऑफ मिस्टर राम से, तो लिली ब्रिस्कवे हियर इज द वुमेन इज द प्रोफेशनल एज अ पेंटर आर्टिस्ट. क्वेश्चन नंबर 63, द पोइट हु सेड माय पोइम्स आर नॉट अबाउट वायलेंस बट विटालिटी इज, दैट इज सेड बाय टेड हुजिस. टेड हुजिस जो है, ही रोट मोस्ट ऑफ पोइम रिलेटेड टू एनिमल्स बर्ड्स, इनसे रिलेटेड लिखे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, माय पोइम्स आर नॉट अबाउट वायलेंस बट विटालिटी इज, दैट इज सेड बाय टेड हुजिस. 64, पिंटर स्केयर टेकर कैन बी कॉल्ड, पिंटर स्केयर टेकर को दूसरा क्या नाम दिया जा सकता है, कॉमेडी ऑफ मीनेंस. और कई बार एग्जाम्पल भी आता है, हु इज नोन फॉर कॉमेडी ऑफ मीनेंस, पिंटर, पिंटर केयर टेकर नोन फॉर कॉमेडी ऑफ मीनेंस, तो इनको कॉमेडी ऑफ मीनेंस, पिंटर के केयर टेकर को कॉमेडी ऑफ मीनेंस कहा जा सकता है. टोनी मॉरिसन यूज्ड मेल नरेटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन, टोनी मॉरिसन यूज्ड मोस्ट ऑफ द फीमेल नरेटर एंड फर्स्ट टाइम मेल नरेटर यूज किया है उन्होंने सॉन्ग ऑफ सोलोमन किया था, इज द राइट. द ऑथर ऑफ द हैंग्री टाइड इज, हैंग्री टाइड का आथर है अमित घोष, इज द राइट आंसर, द हैंग्री टाइड इज रिटन बाय अमित घोष. क्वेश्चन नंबर 67, द शोल ऑफ ट्रेजडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, शोल ऑफ ट्रेजडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लॉट, उन्होंने 8 इसमें बताए हैं, थॉट है, करेक्टर है, प्लॉट है, स्पेक्टेटर है, 6 बताए हैं उन्होंने, जिसमें से प्लॉट को उन्होंने क्या बोला है, ट्रेजडी का शोल बताया उन्होंने, शोल ऑफ ट्रेजडी, दिस इज 67 क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर. 68, द डिस्कशन ऑफ फैबुला सुजित अकर्स इन, फैबुलस जीत इसके अंदर कौन से में, फॉर्मलिज्म के अंदर, जब हम फॉर्मलिज्म की बात करते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन है, न्यू क्रिटिसिज्म है, तो जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, तो जब हम फॉर्मलिज्म पढ़ते हैं, तो फॉर्मलिज्म के अंदर आता है फैबुला सुजित. हम इसके ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर क्रिटिसिज्म के ऊपर, तो उसमें भी फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉर्मलिज्म, व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, न्यू क्रिटिसिज्म, ये सब, और हु रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरलिज्म, विच ऑथर रिलेटेड टू स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म. 69, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का एग्जांपल है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट, एक ही सेंटेंस में ऑपोजिट होती है, तो उसको हम एंटीथेसिस बोलते हैं. अ मेजर इन विच एन ascended syllable precedes the ascended, and ascended followed by ascended होता है, तो उसको iambic, iambic pentameter, ascend, an ascended followed by ascended, us है ना. 71, choose the correct chronological sequence, इसमें हमें chronological choose करना है, Sensen, Jane Austen के work है सारे, Sensen, Sensibility 1811, A Pride and Prejudice में भी 1813, Mansfield 1816, Northanger 1818 इस टाइप से हैं, तो D is the right answer, Sense and Sensibility है, फिर Pride and Prejudice है, फिर Mansfield Park है, Northanger. 72, Shakespeare Criticism by Bradley, Spurgeon, T.S. Eliot, Stephen Greenblatt, तो B is the right answer. Choose the correct chronological sequence, correct sequence हमें choose करनी है, तो इनमें सबसे पहले ऑक्सफोर्ड मोमेंट भी यहाँ पे राइट आंसर है, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड मोमेंट आता है, फिर प्री रिफ्लेक्ट ब्रदरहुड होता है 1848 में भी, इमेजिज्म मोमेंट पोइट्री उसके बाद में होता है, तो बी इज द राइट आंसर. सो इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्लोजेस्ट ड्रामा, एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व, पोर्टेबल थिएटर, तो यहाँ पे ए ही राइट आंसर है, क्लोजेस्ट ड्रामा, एपिक थिएटर. 75, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, करेक्ट हमें बतानी है, ये रिलेटेड टू बर्थ रहेगा, सबसे पहले थॉमस कीड है, थॉमस कीड के बाद मार्लो है, फिर थॉमस नास है, फिर बेन जॉनसन है. 76, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इसमें भी हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनानी है, रिलीजियो मेडिसी, एरियोपेगेटिका और ऑन बलियर, असे ऑन ड्रामेटिक पोइजी. 77, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इसमें भी तरुदत्त फैले, फिर सरोजिनी नायडू, कमला दास, मीना अलेक्जेंडर, दीज ऑल आर इंडियन. 78, choose the correct chronological sequence, Lady Havisham, Dorothea, Jude, Mrs. Morrell, तो इसके अंदर जो नावल्स हैं उनके करेक्टर्स के हैं, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा नावल्स जो है कौन सा किस उसमें पब्लिश हुआ, और उसका फिर यहाँ पर दिस इज थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि लेडी हाविशन किस में है, डोरेथिया है, जूड है, मिसिज मॉरल है, सनसन लवर्स में मिसिज मॉरल, तो ये सब जो है उनके
अकॉर्डिंग हमें डी यहाँ पे राइट आंसर है. 79 चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. ए द वर्ल्ड ब्रेट ऑन, उसके बाद वर्बल आइकॉन है, उसके बाद थ्योरी ऑफ लिटरेचर है. 80 नोबेल प्राइज विनर्स इन लिटरेचर. इनमें से हमें उन नाम को सिलेक्ट करना है जिनको जिन जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में. तो सीमेस हीने इनको मिला है, टी एस एलियट को मिला है, नदिनी गोडीमेर को मिला है, डब्ल्यू बीर्स को बी इज द डब्ल्यू बीर्स हैं, टी एस एलियट हैं, नदिनी गोडीमेर, सीमेस हीने, बी इज द राइट. 81 सेलेक्ट द मैचिंग पेयर. हमें इसमें से मैचिंग पेयर आइडल ऑफ द किंग ब्राउनिंग, द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन, विलियम कॉपर, यहाँ पे द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन, दिस इज बाय विलियम कॉपर, बी इज द राइट आंसर. सेलेक्ट द मैचिंग पेयर. इसमें भी हार्ड टाइम्स साइकोलॉजिकल नावल नहीं है, टू द लाइट हाउस पिकर्स का नावल नहीं है, द कास्टल ऑफ और ट्रेंटो, दिस इज बोथ इन, दिस इज द राइट आंसर. हमें ये बताना है किस टाइप का नावल है. तो कास्टल ऑफ ट्रेंटो इट्स गोथिक नावल है, सी यहाँ पे राइट है. सिलेक्ट द मैचिंग पेयर. इसमें भी एमिली ब्रंट, यॉर्कशायर मूर्स, हार्डी स्कॉटलैंड, नहीं हार्डी नहीं है इसमें, वोल्डर स्कॉट आयरलैंड, नो मार्क ट्वेन. तो ए इज राइट आंसर, एमिली ब्रंट यॉर्कशायर मूर्स से रिलेटेड उन्होंने पे लिखा. 85 सिलेक्ट द मैचिंग पेयर. इसमें से मैचिंग पेयर कौन कौन से हैं, सेरेलिज्म, ट्रस्टियन, ट्रेजर नो, इमेजिज्म, स्पेंडर नो, नेचुरलिज्म, यीट्स नो, मैजिक रियलिज्म, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस, डी इज द राइट आंसर. ये इसमें बताने हैं कि सेरेलिज्म से रिलेटेड, अभी मैंने बात की हम क्रिटिसिज्म के ऊपर हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सेरेलिज्म से कौन कौन से ऑथर जो हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ऑथर ने उसके बारे में बताया है. मैजिक रियलिज्म ये है गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस, डी इज द राइट आंसर. सेलेक्ट द मैचिंग पेयर. बेसी हेड न्यूजीलैंड से, डेरिक वॉलकॉट साउथ अफ्रीका, नो एडी होप ऑस्ट्रेलिया, सीज एडी होप बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ऑन्स जी नो नाइजीरियन नहीं है, अमेरिका. 87 सेलेक्ट द मैचिंग पेयर. टी एस एलियट द बर्थडे पार्टी, नो ऑसबोर्न द एंटरटेनर, यस एंटरटेनर रिटन बाय जॉन ऑसबोर्न, बी इज द राइट आंसर. सेलेक्ट द मैचिंग पेयर. पीरियोडिकल एसेज बेकन, नो कन्फेशनल पोइट्री टेड हुजिश, नो साइंस फिक्शन डेविड लोच, नो प्री रिफ्लाइट विलियम मॉरिस, डी इज द राइट आंसर. सेलेक्ट द मैचिंग पेयर. निजी मिस्किल पर्शियन, नो जी पटेल गुजराती, यस दिलीप चित्रे नहीं संस्कृत इनसे नहीं था, बी इज द राइट आंसर, जीव पटेल जो है गुजराती. 90 सेलेक्ट द मैचिंग पेयर. पर्ल द स्कारलेट लेटर, यस पर्ल जो करेक्टर है स्कारलेट लेटर के अंदर है, रखा नहीं गोडोस माल थिंग्स में, नहीं रफाल नहीं, पिप नहीं, ये अलग अलग सब अलग अलग में, रफाल जो है इसमें आता है पैराडाइज के अंदर आता है, पर्ल इसके अंदर इज द राइट आंसर. 91 द असर्शन वी हैड अ वेरी रेस्टफुल हॉलीडे इम्प्लाइज, ये वी डिडेंट exert ourselves, we did nothing, we were very lazy, we had a very dull time. The assertion यहाँ पे आएगा, we had a very restful holiday implies यहाँ पे अपनाई करता, we didn't assert ourselves. 92 the progress of an artist is an continual self sacrifice, a continual existence of personality, this assertion implies. This implying an artist is likely to make progress through continual self-sacrifice and existential of personality, B is the answer. 93 the best poetry will be found to have a power of forming, sustaining and delighting us. This assertion implies to the poetry is more useful than other arts. यहाँ पे जो best poetry will be found to have a power of forming, sustaining and delighting, इसका assertion का मतलब क्या है? Poetry is more useful than other arts. 94 human beings and especially human beings as an integral part of a social organization are regarded as primary subject matter of literature. This assertion implies this assertion. Humans as social beings are the nucleus of all literary exercises. का मतलब ये निकलता है. 95 we must learn to see more, to hear more, to feel more. The assertion implies we must learn. हमें सीखना चाहिए टू शी मोर, ज्यादा देखकर, ज्यादा सुनकर, ज्यादा फील करके. तो इसका assertion क्या है? A softening of three facilities mentioned will help human beings to become better. तीन जो facilities हैं, टू hear more, टू feel more, टू see more, ये three जो facilities हैं वो हमें help करती हैं टू बी बिकम बेटर मैन. 96 Chaucer's The Knight's Tale is a high romance told in किस कौन से उसमें
स्कीम में बताएंगे हीरोइक कपलेट में सी। मार्लोवेज फर्स्ट ओरिजिनल वर्क वॉच, मार्लोवे का फर्स्ट ओरिजिनल वर्क क्या था? टैमोलिन द ग्रेट, फर्स्ट ओरिजिनल वर्क था मार्लोवे का। मार्वल पेज हिज होमेज टू द प्रोटेक्टर एंड अ ट्रिब्यूट टू द रॉयल डिग्निटी ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इन गिवन इन हॉरिशियन ओड अपॉन क्रॉमवेलस रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। मार्वल पेज इज होमेज टू द प्रोटेक्टर एंड अ ट्रिब्यूट टू द रॉयल आइडेंटिटी। चार्ल्स फर्स्ट जब आते हैं तो मार्वल उनके उसमें पोइम लिखता है, और जो क्या लिखता है, हॉरिशियन ओड अपॉन क्रॉमवेलस रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये उन पे कमिंग चार्ल्स फर्स्ट की कमी पे लिखता है। 99 द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैटमैन वॉज रिटन बाय जॉन बनियन। जॉन बनियन ने लिखी द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैटमैन। क्वेश्चन नंबर 100, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश इन, दिस वॉज पब्लिश इन 1755। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, एंड मे यू विल गेट मोर एंड मोर हेल्प थ्रू दीज 100 क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन फॉर यू फॉर योर रिप्लाई। द मेन आइडिया ऑफ द डेंसियड वॉज टेकन फ्रॉम, डेंसियड जो पोइम जो लिखी गई थी उसका मेन आइडिया कहाँ से लिया गया? द हिंद एंड द पैंथर से था, रिलीजियोलेसी था, मैक फ्लेक्नियो था या मेडल था? आई होप यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। मेरी ऐसे आपसे जिसने भी कंप्लीट सुना है उसे से यही उम्मीद है कि इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो यू कैन आस्क मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से भी पूछें। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।